नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका पूर्वांचल तड़का में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेथी के लड्डू की रेसिपी। ठंड का मौसम चल ही रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ। मेथी का लड्डू बोला तो सिर्फ मेथी नहीं है, इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स है, और वो क्या है चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आप एक कढ़ाई गरम करिए, उसमें आप गेहूं की जो क्वांटिटी है उसे धीमे आंच पे हल्का ब्राउन होने तक के आपको इसे भुनना है, एकदम धीमे आंच पे। कंटिन्यू चलाते रहना, बीच बीच में आप ब्रेक भी ले लीजिए, लेकिन फ्लेम को आपको हाई पर नहीं करना है। ऐसे करके आपको जितना भी आप गेहूं ले रहे हैं उसे अच्छे से भुनकर चक्की पर इसे पिसवाना है। जी बिल्कुल, चक्की पर इसे पिसवाना है। वो भी आपको चक्की वालों को ये बोलना है कि ये हमें जो इसका आटा है वो मोटा चाहिए, जैसे सत्तू का आटा होता है एग्जैक्टली, थोड़ा सा मोटा आटा पिसवाना है इसको। यहाँ पर दो बर्तन में मैंने गेहूँ रखा है, और ये गेहूँ आप देखकर क्लियरली बोल सकते हैं कौन सा भुना हुआ गेहूँ है। ये जो लेफ़्ट साइड पर है वो जो भुन चुका है, और जो राइट साइड पर है ये हमारा जो नॉर्मल गेहूँ होता है वो है। तो कलर डिफरेंस ऐसा होना चाहिए जब आप गेहूँ भुने तो। और यहाँ पर मैंने लिया है सूखा खोपरा, जिसे मैंने मिक्सी में बारीक कर लिया है। इसके साथ साथ खारक, खारक को पहले आप कोई लोढ़े या किसी से भी आप फोड़ कर उसके अंदर का पूरा बीजा निकाल लीजिए, थोड़ा सा उसे क्रश करिए, फिर मिक्सर में चलाइए, फिर ऐसा पाउडर बन जाएगा। ऐसा पाउडर बना के हमें खारक का भी रख लेना है। हमारा जो गोंद है उसे हम घी में या तेल में तल के निकाल देंगे, अच्छी तरह फूल जाना चाहिए वो गोंद। फिर उसको निकाल कर गोंद को भी हमें मिक्सर में पीस कर बारीक करना है। ज़्यादा देर तक गोंद को आप मिक्सर में मत पीसिएगा, क्योंकि फिर वो एकदम से तेल छोड़ के एकदम पेस्ट बन जाएगा। दरदरा ही पीसना है इसे। बादाम को यहाँ पर हमने कूट के रख लिया है, अब इसे मिक्सी में चला लेंगे, और साथ ही साथ काजू को भी हम मिक्सी में चला लेंगे। मेथी दाना को भी भूनकर फिर मिक्सी में चलाकर इसका पाउडर बनाना है हमें। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेथी का पाउडर भी रेडी हो गया है। अब गोंद को भी पीस लेंगे बारीक सा, दरदरा सा, और पीस कर उसे भी साइड रखेंगे। इस रेसिपी में आपको दो चीज़ भुनना है, एक तो है आपका दो यानी कि तीन चीज़, एक तो तलनी है और दो चीज़ भुननी है। मेथी को आपको सिर्फ भुनना है और गेहूं को भी आपको भुनना है, बाकी सारे सामान आप डायरेक्ट पीस कर इसमें डालेंगे। ये मैं आपको आटा भी दिखा देती हूँ। देखिए आटा इस तरह दिख रहा है, दरदरा सा और ब्राउन कलर में हो चुका है, ऐसा हमने पीस कर चक्की से मंगवा लिया है। गुड़ को भी यहाँ पर हम पहले कूट रहे हैं, यहाँ पर एक कूटने के बाद हम इसे तेल में गरम करेंगे। गुड़ यहाँ पर मेरा बल्क में है इसलिए मैंने पाउडर यूज़ नहीं किया है। 3 किलो गुड़ है, बल्क में लड्डू बन रहे हैं, और यहाँ पर 3 लीटर शेंगदाने का तेल भी है। तेल आप शेंगदाने का ही यूज़ करिएगा, क्योंकि ये जो नटी फ्लेवर और जो स्मेल देता है ना लड्डू को, वो बहुत ही अच्छा लगता है।
गुड़ को फोड़ने के बाद एक पतीले में हम सारा तेल डालेंगे, तेल में हम वो गुड़ भी डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर हम पकाएंगे जब तक कि गुड़ हमारा पूरी तरह मेल्ट होके थोड़ा सा डार्क ब्राउन इन कलर नहीं होता। आपका तेल और गुड़ का मिक्सचर बनकर जब रेडी हो जाएगा, जब साइड से आप देखेंगे कि बबल आ रहा है, बस तब आप गैस ऑफ कर दीजिएगा। इसको ज़्यादा पकाएंगे तो बहुत ही हार्ड लड्डू बनेंगे। गुड़ का मिक्सचर भी रेडी है और अब हम सारा मिक्सचर लेकर लड्डू बनाने की हम शुरुआत करते हैं। एक एक करके हम सारे इंग्रेडिएंट्स को इस घमेले में, आप देख रहे हैं क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण घमेला यूज़ किया जा रहा है। ये पे खोपरा और मेथी पाउडर, जो जो भी सारा इंग्रेडिएंट है हम सारा डालेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। फिर धीरे से हम जो हमारा ऑयल और गुड़ का मिक्सचर है वो ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ऑयल और गुड़ का मिक्सचर वो गर्म होगा, तो धीरे धीरे क्वांटिटी में हम उसको यहाँ पर भी ऐड करेंगे। मिक्सचर की क्वांटिटी हो गई है ज़्यादा, तो अब मेरी मदर इन लॉ को थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है ऑब्वियसली, तो हस्बैंड को बुलाया गया है। अब वो सारा मिक्सिंग करेंगे, इसके बाद हमारे लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे। लीजिए, लड्डू का मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स होके कम्प्लीटली रेडी हो गया है। अब इसे हमें शेप देना है लड्डू का। सिर्फ देखने में ये डिफ़िकल्ट है, बाकी ये रेसिपी बहुत ही ईजी है। अगर आप बनाना चाहें तो ज़रूर इसे ट्राई करिएगा इस ठंडी में, और अपने कमेंट्स शेयर करिएगा कि कैसे बना। ये रेसिपी हमें हमारे एक फैमिली फ्रेंड से मिली है, तो क्रेडिट उनको जाता है ये रेसिपी शेयर करने के लिए। उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे बनी। आप मुझे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा।
लीजिए एंजॉय करिए इस लड्डू को इस ठंडी के मौसम में। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूर्वांचल तड़का। और रेसिपीज़ के लिए ज़रूर मेरे वेबसाइट पर लॉगिन करिएगा पूर्वांचल तड़का .com।